नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया खबर लाइव में। मैं हूं अनूप पांडे। खबर आ रही है विदिशा जिले के गंज बासौदा से। प्रस्तुत है इंडिया खबर लाइव संवाददाता एलन चौबे की एक रिपोर्ट। सुरंज का कोरोना पॉजिटिव मरीज, बासौदा में रुकने की खबर से प्रशासन हुआ सचेत। दूध मेडिकल सुविधा छोड़कर संपूर्ण नगर में आगामी आदेश तक लॉकडाउन। जी हां, सिनोज में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज के गंज बासौदा मिर्जापुर बाली मस्जिद एवं एक परिवार में रुकने की खबर से पूरा प्रशासनिक अमला हरकत में आ गया है। देखते ही देखते संपूर्ण नगर में दूध और मेडिकल सुविधा छोड़कर सभी दुकानों पर लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। मिर्जापुर स्थित मस्जिद एवं आसपास का पूरा क्षेत्र सैनिटाइजर किया जा रहा है। एडिशनल ब्रिजेश वंजारे कलेक्टर वृंदावन वर्मा ने मीडिया से चर्चा में बताया कि संक्रमित मरीज जिस परिवार में रुका था या वो परिवार जिस जिस के संपर्क में आए हैं, सबके सैंपल लेकर जांच की जाएगी। जांच रिपोर्ट के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। विदिशा से इंडिया खबर लाइव के लिए एलन चौबे की एक रिपोर्ट। सस्पेक्टेड सैंपल जिसका लेते हैं वो सस्पेक्टेड ही होता है। सैंपल लिए जा रहे हैं, अब वो वहाँ से जब पॉजिटिव होगा वो तो केमिकल जांच में एनालिसिस में पता चलता है, हम लोग नहीं कह सकते। बट सस्पेक्टेड हम उसको मानते हैं जिसका हमने सैंपल ले लिया। हम लोगों के बाद पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। सामान्य बीमारी है, ये भी सामान्य बीमारी है। इसमें सिर्फ केवल इतना है कि वो दूसरा व्यक्ति कॉन्टैक्ट में आ जाता है तो उसको होने की संभावनाएँ सर्वाधिक होती हैं। तो हम चाह रहे हैं कि संक्रमण दूसरों को ना फैले, इसलिए लॉकडाउन या कर्फ्यू जितनी भी चीज़ें की जा रही हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए की जा रही हैं। और हम नहीं चाहते कि ये फैले, और अगर फैलता है तो हम ट्रीटमेंट के लिए तैयार हैं।